सब जो भी हैं वीडियो देखने वाले, मर्दे खास के खाना कैसा लगेला एक बार कमेंट बताइए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, आज सुबह से हम ही बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, बस यही करना है दिन भर। कैसे आज बेबी का 4-5-6 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो किचन में है मैं इस वक्त। और यहाँ दाल हो चुका है, दाल यहाँ आप दे सकते हैं, दाल बना के रख चुके हैं। अब इसके हम बना रहे हैं चावल कुकर में, और यहाँ हम दाल को छौंकने वाले हैं, फ्राई करने वाले हैं। यहाँ फ्राई करने के लिए ये सब हो चुका है, हरियर मर्चा नहीं है दो दिन से मेरे यहाँ, तो लाल मर्चा को काट चुके हैं। और हम फ्राई करेंगे दाल, भात बना रहे हैं खाने के लिए, रोटी शाम को बनाए थे और इसलिए आज रोटी इस समय रोटी नहीं बनाई, क्योंकि रोटी बनाएंगे तो लेट हो जाएगा और जाना भी है दवा के लिए। बीवी को दवा लाना है, उस शहर में थोड़ा जाना है, गोरखपुर शहर में अंदर, तो इसलिए लेट हो जाएगा। तो बस फटाक से हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जाएंगे वहाँ से दवा लेकर आएंगे और खिलाएंगे, देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार, अगर आप लोगों के साथ भाई लोग का भी ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट बताइएगा कि आपकी वाइफ का तबीयत ख़राब हो और आपको खाना खाना सब कुछ घर का हर एक काम संभालना पड़ता है, वो बर्तन मांजना या झाड़ू मारना या जो भी काम हो, घर का सारा काम संभालना पड़ता है। तो बताइएगा ऐसा आपके साथ हुआ है कभी तो बताना ज़रूर कमेंट में। चलते वीडियो भाई बने रहिए, दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम छौंकने वाले हैं, यहाँ लहसुन डाल दिए, मिर्चा डाल दिए दोस्तों, उसके बाद हम प्याज थोड़ा सा डालेंगे, प्याज या टमाटर डाल लेते हैं। छौंका तब खांसी आता, और नहीं तो हमारे भी बहुत दिनों से ठीक उकार है, सर्दी जुकाम भी हुआ है, तो क्या बताएगा। भी सोचे जल्दी से खाना तैयार हो जाए, बहुत जोर भूख लगा है, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, बहुत तेज चावल बनाए हैं तो किया गया है, अभी इस वक्त खाना बनाए हैं तो अभी दोस्तों कमेंट में बताना नहीं बोलना कि आपने कभी ऐसा किया है क्या, अपने बीवी की तबीयत खराब हो और घर का सारा काम आपको करना पड़ा हो, तो कभी बताइएगा। और मोबाइल की जगह ये कल्चर पकड़ना पड़ा हो या बाइक की जगह कल्चर पकड़ना पड़ा हो, बताइएगा। ये हमेशा मिल बांट के बनाते होंगे तो बताइएगा। ऐसा होता है ना कि साथ मिल के बनाया जाता है, साथ मिल के
बाग से काम किया जाता है, किचन का हो या किसी का भी हो, तो ऐसा करते हैं तो बताइएगा। हमको फ्राई दाल बहुत पसंद आता है, दाल फ्राई करके अगर हो जाता है, फ्राई हो जाता है तो हमको खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड हूँ उसके लिए। देख लेते हैं हम चाय चावल में पानी है, कि तुम्हारे चीनी में लोट हमके मरले बचोटे कर जाओ, अखर्ची हो गई ल सगरी नो का बताई ये करिए जाओ। खाना उतना बनाने तो नहीं आता है, बस थोड़ा मोड़ा कर लेते हैं, कभी कभी हो जाता है, फेंक देते हैं हल्की फुल्की, मतलब खाना बना लेते हैं हल्की फुल्की। तो देखिए दोस्तों, हम निकालने वाले हैं खाना, जो चावल थोड़ा सा गीला हो चुका है, चावल थोड़ा गीला हो चुका है, यहाँ हम चावल निकाल लेते हैं, बस अपने लिए ही बनाए हैं, क्योंकि वो तो खाएंगे नहीं हम जानते हैं, फिर भी खाएंगे तो ठीक है। और यहाँ हम फ्राई किया हुआ दाल रखते हैं, तो अब हम ढक्कन को खोल लेते हैं। दोस्तों अब हम दिखाते हैं बाहर कैसा दिखता है, थोड़ा सा जल रहा है बहुत तेज, यहाँ देखिए है, खाओ बीरो, ए बीरो देखिए इनको लग रही है बहुत तेज ठंडी, इसीलिए बुखार उखार है बहुत तेज, ठंडा बहुत तेज लग रहा है। फिलहाल हम तो बना लिए हैं, अब खाते हैं। ये रहा पानी, ए भयंकर परी उठ जाओ, तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही वीडियो बने रही और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लव यू। देखिए दोस्तों, यहाँ खाना खवाई हो रहा है, अभी हम हाथ भी नहीं लगाए हैं, यहाँ टूट पड़ी हैं, कह रहे हैं कि कोनो खाए न कुछ मन करता, जब बन के आ गए तो बड़ी नीक लगा था इनके, देखिए लगन इनका अलग ही है, इनका अलग ही बेदवा मतलब कि जिन खाना चले में मैं तो हमारे साथ है ना, छोड़ दिया वे वे। तो दोस्तों
अगर आप सब जो भी हैं वीडियो देखने वाले मर्दे खात के खाना कैसा लगेला एक बार कमेंट बताइए। हम मर्दे खाते खाना के बना ले बैठल बैठल खाना मिल गई। वाह 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 क्या बात है। तेरे तक तो मर्दे खाते खाना नीक लगा था। मर्दे खाते खाई खाना नहीं गा बढ़िया बन रहा मन करता देख के खाए लू। महकत कैसे नीमक उमक कम थे सब सही बा। हम कहीं हमारी बेइज्जती करबू ना नहीं लगता जी अग्गा गम के ना जाना है अग्गा गनी नहीं लगा है। चलो ठीक है भाई लोग अगर आप भी अपनी बीवी को ऐसे